बड़ी और अहम खबरों का। पंजाब और हिमाचल में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जिसके मद्देनजर शासन और प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 8,841 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक के पंजाब के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 4,16,000 के पार पहुंच चुकी है। पंजाब में सभी पार्टियों के नेताओं और सांसदों ने पंजाब में पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,942 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया है, जो कि आज से 16 मई तक लागू रहेगा और इस दौरान धारा 144 को भी लागू कर दिया है। चलिए हमारे संपादक दिनेश शर्मा जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज पंजाब से। दिनेश जी, अब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पूर्ण लॉकडाउन की बात की जा रही है, आखिर क्या ये फैसला भी हो सकता है अब? देखिए, सबसे पहले अगर पंजाब के संदर्भ में बात करें तो पंजाब में, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटों की अगर बात करें और जो सरकारी आंकड़ा होता है, सरकारी आंकड़ा जो है वो उसमें नंबर ऑफ केसेस जो है, जो इन्फेक्शन है वो बड़े हैं, केसेस जो है बड़े हैं और काफी, ये कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा बड़े हैं। और कल जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के सांसदों की, पंजाब के सांसदों ने भी ये मांग की थी कि यहाँ पर पूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए पंजाब में, जो कि बाकी राज्यों में जिस तरह से लगाया जा रहा है। तो इसको पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तो नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये आगे इस पर देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अभी पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उस लिहाज से, क्योंकि लोगों की तरफ से, अगर जनता की तरफ से कहा जाए तो ये मांग उठ रही है, और जिस तरह से सांसदों की तरफ से उठी कि पूर्ण लॉकडाउन जो है पंजाब में लगाया जाना चाहिए, ताकि जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। पहले की बात अगर पिछले जब लॉकडाउन की बात की थी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन राज्यों के ऊपर है, राज्य अपने जिस तरह से केसेस हैं, जिस तरह से इंफेक्शन हैं, चाहे वो माइक्रो में जाना चाहे, जहां कंटेनमेंट जोन है उसको बंद करना चाहे, वहां पर लॉकडाउन लगाना चाहे उसको बंद करना चाहे, या फिर पूर्णतः राज्य में लगाना चाहे, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया था। और इस पर कई राज्यों ने अमल करते हुए, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें, फिर दिल्ली की बात करें और बाकी राज्यों की बात करें, अब अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। तो मांग उठ रही है कि पंजाब में भी जो है पूर्णतः लॉकडाउन लगाना चाहिए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः ये कहा जाए कि कोरोना कर्फ्यू जो है आज से लागू हो गया है। और अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है, चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे हिमाचल की बात हो, लगातार जो है जनता हो विपक्ष हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जिस तरह से हालात जो है, जो त्रासदी दिल्ली में हुई और जिस तरह से लोग आज भी ये कहा जा सकता है कि अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ, जो है लोगों को अभी भी दिक्कतें, बेड हॉस्पिटल में बेड लेने में जो है दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दिल्ली में कल जो है अगर मांग 900 की थी तो 700 से ऊपर जो है, 780 के करीब जो है, मेट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन दिल्ली को मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं 75% ऑक्सीजन जो है दिल्ली को मिल पाया है, उसी तरह मांग जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी है। तो उस सब को लेकर जो है लगातार राज्य सरकारें, दोनों राज्य सरकारें पंजाब और हिमाचल की केंद्र के साथ संपर्क में है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जैसे मैंने कहा कि पिछले एक साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात जो जो जगन मोहन रेड्डी है, मुख्यमंत्री जो है, ये कहा जाए
आंध्र प्रदेश के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि जो भी कोरोना के लिए जो भी खर्चा जो है वो चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे दवाइयों का हो, सरकार की तरफ से जो है वो सरकार उसको देखेगी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है जो कि राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो इसी तरह से क्योंकि इट्स अ इमरजेंसी, इट्स अ स्टेट इमरजेंसी, जो कि एक तरह से कहा जाए कि जिसको सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि युद्ध है। तो अगर युद्ध है, युद्ध में जनता को ये फेस करना पड़ रहा है, तो ये इसका जो पूरा ये कहा जाए कि खर्च है ये राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है टैक्स देते हैं, हर तरह का टैक्स जो है सरकार की तरफ से केंद्र हो चाहे राज्य हो उस वो लगाया जाता है। तो ये पहल जो है आंध्र प्रदेश की तरफ से की गई है, और ये पहल जो है, इस पहल की मांग जो है बाकी राज्यों में, जैसे अगर हम बात करें पंजाब और हिमाचल प्रदेश, वहां भी तरह की मांग उठ रही है कि इफ इट्स अ वॉर, इफ इट्स अ इमरजेंसी, सो गवर्नमेंट राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक एक ये कहा जाए कि इसका खर्चा जो है वो राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। और बाकी और अगर अगर हिमाचल की बात करें तो अगर नंबर ऑफ केसेस हैं तो ये इस बार पहले शहरों तक सीमित था, अब ये गाँव में भी पहुंचने लगा है। तो लोगों की तरफ से ये मांग उठने लगी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने शहरों में तो बिल्डअप कर लिया और छोटे शहर थे वहां पर भी बिल्डअप कर लिया, लेकिन गांव के जो एक तरह से पंचायतें हो या बड़े जो गांव हो उसके आसपास भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बिल्डअप होना चाहिए। अभी तक जो पिछले एक साल में बिल्डअप होना चाहिए, सरकार को अभी इस पर जल्द से जल्द जो है सोचना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज में गाँव में भी केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं। जी दिनेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, गांव में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए और लॉकडाउन पर भी जल्द से जल्द विचार कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।